Hi everyone, this is Hania Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. बोल कौन है तू? जी मैं चांदी, कराची से आई हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। यहाँ शहर में मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है। राशिद, परेशान है तू? ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ। दोनों मिलके गाड़ी के पहियों की तरह जिंदगी की गाड़ी चला लेंगे। केला तो तू थक जाएगा। इतनी मोहब्बत करती है तू मुझसे? इतनी ज्यादा कि बताना शुरू करूंगी तो सारी जिंदगी बीत जाएगी और बाकी काम सब अधूरे रह जाएंगे। और कितना भरोसा है मुझ पर? नहीं है, मैं तुझ पे भरोसा नहीं करती। नहीं? और तू मुझ पे भरोसा नहीं करती? तेरे अलावा किसी और की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा मैंने आज तक। वो तो इसलिए ना, क्योंकि मैंने तुझे कभी इजाजत ही नहीं दी कि तू किसी और की तरफ नजर उठा के भी देख सके। और कोई और देख ले मेरी तरफ नजर उठा के तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो देखेगी और तू मुझे मार देगी? हाँ, क्योंकि जो नजर उठा के तुझे देखेगी उससे मेरा क्या वास्ता है? वास्ता तो मेरा तुझसे है, तू मेरा अपना जो है। बड़ी खतरनाक हो गई है तू। अभी कहाँ, एक दफा तेरे बेटे की मां बन जाऊं फिर देखना। ये अच्छा नहीं हुआ। क्या बेटे के लिए कोशिश? और जब मुझे बेटा नहीं चाहिए तो फिर क्या जरूरत है? पर मुझे चाहिए ना। जब मुझे नहीं चाहिए तो तुझे क्या जरूरत है? मुझे बेटा चाहिए ताकि तेरे ऊपर मेरा कब्जा और ज्यादा मजबूत हो जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें पप्पू, अपने लिए भी और होने वाले बच्चे के लिए भी। आलियान, मैं लोगों को क्या बताऊंगी ये बच्चा किसका है? गुलामों का। तुम्हें पता है इस घर के मालिक मकान के पास जब मैं गई तो उसने मुझे क्या कहा? कहने लगा कि सारा मोहल्ला और पड़ोसी जानते हैं कि आपके गुलामों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, सबने आपको यहाँ पे आते जाते देखा था। आपके पास कोई सबूत नहीं गुलामों के साथ निकाह का? इस बच्चे के अलावा तो कोई सबूत नहीं। और निकाहनामा की कोई कॉपी भी नहीं रखी पप्पू? मैंने तो हमेशा यही सोचा आलियान कि निकाहनामा मर्द के पास होता है और औरत के साथ चलता हुआ मर्द इस बात की गवाही होता है कि ये औरत इस मर्द के निकाह में है। आलियान ऐसा ही होता है ना? मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। और वैसे भी मैं खुद मर्द हूँ तो मैं ऐसा समझता हूँ कि निकाहनामा जो होता है वो मर्द के पास होता है, बाकी प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर्स के साथ। गुलामू तो बहुत गरीब था, उसे तो जायदाद और मलकियत से कोई गर्ज नहीं था। शायद मुझे निकाहनामा देना भूल गया। और सच्ची बात है मैंने कभी उससे मांगा भी नहीं। आलियान, कि गुलामों ने मुझे वाकई तलाक दे दी होगी? मुझे अब्बा जी की बातों पे यकीन नहीं है। तो मेरे लिए कितना लड़े हो ना?
कभी कभार कुदरत जो है इंसान के सामने दो ऑप्शन रखती है, या लड़ने वाला बनो या मरने वाला। और मैंने लड़ना चूज किया क्योंकि मरना तो ऐसे भी है और वैसे भी। आलियान, तुम्हें देख के वाकई यकीन हो जाता है कि खुदा अपने बंदों से अभी मायूस नहीं हुआ। चले अब जूस भी है। रख ले, काम आएगा तेरे। और तू ये ना समझ के मैं तेरे पे कोई एहसान कर रही हूं, ये सब कुछ मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही हूं। मैं नहीं चाहती कि तू चौधरी साहब से निकाह करे। चौधरी साहब मुझे मार तो सकते हैं लेकिन मुझसे निकाह नहीं कर सकते। जब तक मेरी रजामंदी नहीं होगी ये निकाह नहीं हो सकता। भाई तुझे तो उस मास्टर ने बड़ा कुछ सिखा दिया। मैं जानती थी ये होगा, ले रख ले इसे। इसमें उन सब लोगों के नंबर हैं जिन्हें तू किसी भी वक्त मदद के लिए बुला सकती है। राशिद का नंबर है, उस मास्टर का नंबर है, शाजीब का नंबर है और मेरा भी है, समझी? फोन होएगा ना चुकी, कह दे बहुत ही रात हो गई है, तू नहीं जा सकता। राशिद, राशिद जो हिसाब से पंखा ला ले, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? दिया के साथ है राशिद, सोचना ये लड़कियों को लेके कहाँ मारे भरे फिरेंगे? चौधरी साहब हमें चला देंगे अब्बा, फोन ना उठाना। हेलो, मैं ताऊ मैं बोल रही हूँ। सनी, ये तू बोल रही? ताऊ तुझे याद है मैं बचपन में तेरे घर खेलने आती थी, बार बार मरियम को उठा के ले जाती थी। तुझे कितना डर लगता था कि कहीं मैं मरियम को गिरा ना दूँ। आज मैं गिर गई ताऊ, तूने मुझे गिरा दिया। लेकिन मैंने मरियम को कभी गिरने नहीं दिया। एक बात बताता, जो कुछ तूने मेरे साथ किया है तू कभी मरियम के साथ कर सकता था? कभी मरियम को अपनी आंखों के सामने बनी होते हुए देख सकता था? उसे इस तरह कराची में अकेले फेंक के आ सकता था जैसे तूने मुझे फेंका है? नहीं ना। सम्मी क्या कह रही है अब्बा, कोई उसे मार तो नहीं रहा ना? अब्बा सम्मी क्या कह रही है? तुझे पता है ना मैं कराची किसी के साथ भाग के नहीं गई थी। तुझे पता है ना कि चांदी मैडम के बेटे के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। उस बेचारे ने सिर्फ मुझे सहारा दिया था और अब वो मर गया है। कौन बताएगा मेरे अब्बा और मेरे वीरे को? कौन देगा मेरी भागदौड़ का सबूत? मैं जा रही हूँ अपने घर तक, अपने वीरे और अपने अब्बा के पास, उन्हें ये बताने कि मैं बेगुनाह हूँ। शायद मेरा वीर मेरी बात सुनने से पहले मुझे मार दे और मेरे बाद ये गवाही तू देगा।
सुनी पाक दामन भी है और बेगुनाह। कहाँ जा रहे राशिद? मुझे आज जाने देता हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। इतनी रात को अकेले कैसे जाएगी? क्यों, क्या होगा इतनी रात में जाने से? कुछ भी हो सकता है, जंगली कुत्ते होते हैं, लोग होते हैं। ख्याल तो जहाँ आया था उस रात ये ख्याल नहीं आया। मेरे पास वक्त नहीं है, तो मुझे जाने दे। रुक जा, मैं छोड़ता हूं तुझे। सम्मी! मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तो सुन, मुझे माफ कर दे। मेरी दी बन के मुझे माफ कर। मैं कितना कमीना हूं कि दी की इज्जत करना ही नहीं समझ में। कमीनों के साथ कमीना बन गया मैं भी। माफ कर दे तू मुझे, तू माफ नहीं करेगी ना? मेरा रब मुझे माफ नहीं करेगा। निकल यहां से, तेरी शक्ल नहीं देखनी हमने। दफा हो यहां से, दफा हो, निकल। अरे दबाओ यहां से। सुन इसकी बात, भाई बन के नहीं दुश्मन बनकर सुन। मगर सुन, मेरे में चली जाऊं, तू बस एक दफा मेरी बात सुन। क्या मैंने सारी जिंदगी कभी तेरे और अब्बा के किसी हुक्म से इनकार किया है? तूने मुझे कहा परवेज अच्छा लड़का, उससे शादी कर ले, मैं मान गई। तूने परवेज का कत्ल कर दिया और कहा कि उसे खून के बदले वनी हो जा, मैं मान गई। तूने मुझे परवेज के बाप के हवाले कर दिया, मैं मान गई। फिर सबने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि इसको चौधरी रबनवाज के बेटे को वनी दे दो, मैं मान गई। उसके बाद भी तूने मुझे गांव की चौराहे पे खड़ा किया आग लगाने के लिए। तेरी आंखों के सामने चौधरी रबनवाज मुझे अपनी बनी बनाकर ले गया, मैंने कुछ नहीं कहा। मगर मेरे ये इल्जाम झूठा है, ये झूठ है। झूठी तू है। तेरी चांदी मैडम ने मुझे बताया कि तूने किस तरह की हरकतें की, कैसे टोरे डाले उसके बेटे पे, वो कॉस करती है झूठी। मेरे में तो कराची भी खुद नहीं गई थी, ताऊ ने मुझे जबरदस्ती चांदी मैडम के पास भेजा था। खड़ा है तेरे सामने, पूछ ले। मेरे मुझे तेरी सर की कसम, तेरी सम्मी ने कभी कुछ गलत नहीं किया। कराची में चांदी मैडम ने मुझे घर से निकाल दिया था,
कराची की सड़कों पे झूल रही थी मैं, जब उनके बेटे ने मुझे बना दी, अपने दोस्त के घर पे मुझे हिफाजत से रखा। मैं सोती थी तो वो जागता था, मैं जाग जाती थी वो तब सोता था। तू बता भी रहे, कोई करता है किसी की इस तरह हिफाजत? जिस दिन तू मुझे वहां से उठाकर ले गया, उस दिन वो सड़क पे एक एक्सीडेंट में मर गया। मैं जानती हूँ कि वो हमारे पीछे आया था, उसको हमेशा ये डर था कि कोई मुझे जान से मार देगा, इसलिए वो हमारे पीछे आया था। और अब्बा, सारे मर्द लड़कियों पर बुरी नजर नहीं डालते, और ना ही यहाँ रिश्ता नाजायज होता है। क्या तू अपनी बेटी को नहीं जानता अब्बा? तेरी बेटी को पता है कि उसकी इज्जत कितनी कीमती है। अब अगर तू मुझे बाजार में भी खड़ा कर देगा तो भी मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, कभी किसी के हाथों नहीं बिकूंगी। तू कभी अपनी बेटी को समझ नहीं पाया अब्बा, तू अपनी बहन को चांदी मैडम इधर आ गई है। यहाँ शहर में उन्होंने अपना पार्लर खोला, तू उनके कहने पे मेरे पीछे आया था ना, जहां उनसे जाके सुने अपनी बहन का सच्चा मामला। दिलदार पानी पी कर अखिया घुट घुट रोवे लगिया, छाँव के साथ बनी ना मेरी दुबार मेरी सखिया। अपने घर गई थी। तुझे पता ना कि चौधरी साहब को पता चल गया तो क्या होगा? क्या होगा? मुझे किसी से डर नहीं लगता। जी कौन? मैं सम्मी बोल रही हूँ। आप आलियान सर है ना? आपने पहचाना मुझे? हाँ सम्मी, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आलियान सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने मुझे कहा कि अपने पैरों पे उठ खड़ी हो, जो कहना चाहती हो कह दो। मैंने ऐसा ही किया। मैंने आज अपने अब्बा और वीरे के सामने सब कुछ बोल दिया। मैंने आपकी बात मान तो ली, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अगर चौधरी साहब को पता चला तो क्या करेंगे वो? कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं रखता। अच्छा किया जो अपने अब्बा और वीर को सब कह दिया जो तुम्हारे दिल में था। और चौधरी साहब? चौधरी साहब तुम्हारे कुछ नहीं लगते, अगर कुछ कहे ना तो कह देना। आप कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले?
अगर चौधरी साहब ने मुझसे वाकई निकाह कर लिया तो? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे इनकार की सूरत में कुछ भी नहीं होगा। पता है जब तुम बोलना शुरू करोगी सब लोग डर जाएंगे। ये लड़की तो बोलती भी, कहीं भी कुछ भी ऐसा कह सकती है जिससे हमारा जुर्म साबित हो जाएगा। तुम्हें पता है जो लोग बोलते नहीं है ना, जुल्म उनके साथ ज्यादा होता है। जो चुपचाप सब सह जाते हैं, कसूर जालिम से ज्यादा मजलूम का होता है। आपको पता है मैंने आज राशिद ताऊ को भी डांट दिया, उन्होंने मुझसे माफी मांगी, इन्होंने माफ भी नहीं किया। तो अच्छा किया ना, ऐसा ही करने को तो दिल चाहता था तुम्हारा। अगर मेरे ये सब करने से कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई तो क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं और हमेशा साथ ही खड़ा रहूंगा। आपको पता चांदी मैडम भी यहां आ गई है, मगर वो अब क्यों आई है? अब तो सालार भी नहीं रहा और मैं भी वहां पहुंच गई हूँ जहां वो मुझे पहुंचाना चाहती थी, तो अब क्यों आई है वो? मुझे पता है कि वो आई हुई है। ये तो उनको भी पता है कि सालार तुम्हें बहुत चाहता था, उसी चाहत को देखने आई है। लेकिन मेरा सालार से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मैंने उन्हें बता दिया था, मगर ये सुन के वो और भी उदास हो गई। मैं एक बार मिल लूं उनसे, उन्हें थोड़ा सुकून आ जाएगा। डॉक्टर साहिबा बताओ ना, बेटा या बेटी? वैसे पता है इस बार मेरी तबीयत वैसी नहीं है जैसी बेटियों के टाइम पे होती है, इसलिए बेटा ही होगा ना? बोलो ना। लड़की है। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि बेटा होगा। मैंने रब से बड़ी दुआ मांगी थी कि मुझे बेटा दे दे। मैंने कहा रब्बा मेरी लाज रख ले, मुझे बेटा दे दे, पर मेरे रब ने मेरी ना सुनी। जबाने भर को टोकरे भर भर के बेटे देता और मेरे लिए सिर्फ बेटिया। रब्बा तुझे किस चीज की कमी थी, किस चीज की कमी थी कि एक नई बदनसीब नजर आ गई बेटियों के लिए? सुलेमा, वो रब है, ज्यादा अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे लिए बेटी बेहतर है या बेटा। क्या करूंगी मैं एक और बेटी का अचार डालूंगी? क्या वो दिखाऊंगी राशिद और उसकी माँ को? तुम्हें बेटा शर्मिंदगी से बचने के लिए चाहिए, अपने शौहर और सास के सामने सुर्खरू होने के लिए चाहिए। तो और क्या, और किस लिए बेटा चाहिए होता है? इसीलिए ना कि माँ का सर फकर से ऊंचा हो जाए। मुझे देखो, मेरे पेट में बेटा है, लेकिन हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि अपने बेटे और अपने आप को दुनिया के सामने शर्मिंदगी से कैसे बचाऊं? मेरे बेटे का बाप भी तो बेटा था ना, मारा गया ना अपनी शर्मिंदगी की वजह से। तो ऐसा कर, मेरे लिए झूठी रिपोर्ट लिखा दे अल्ट्रासाउंड की, उसमें लिख दे कि मेरे पेट में बेटा है। क्या फायदा होगा इस झूठ का? मुझे नहीं पता, है फायदा? हमारे घर में खुशियों की बहुत जरूरत है,
चाहे थोड़े अरसे के नहीं सी, ऊपर से जालिमों ने घर को आग भी लगा दिया। कोई हंसता नहीं है, कोई मुस्कुराता नहीं है, कोई बात नहीं करता, सब एक दूसरे से छुप छुप के रोते हैं। मेरी बेटियां भी कर दो, एक कर दो। अरे रब्बा, सर आपको पता है अब्बा को पार्टी का टिकट मिल गया। आपको लगता है कि अब्बा इलेक्शन जीत जाएंगे? ता नहीं। सर आपका वोट भी तो उनके हलके में आएगा, आप क्या उन्हें वोट करेंगे? नहीं, अगर आपकी उम्र वोट देने की होती क्या आप अपने अब्बा को वोट देते? नहीं। क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है कि अब्बा जैसे लोगों को बदलना चाहिए। मैं अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे पसंद है, मगर लोगों से वोट लेने का मतलब तो ये है ना सर कि उनकी जरूरियात को पूरी करना, उनकी जिंदगी को अच्छा बनाना। मुझे नहीं लगता सर कि अब्बा जी लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाएंगे। अब्बा जी कहते हैं ये जो लोग हैं ये दो टके के हैं, गधों की तरह जहाँ ले जाओ वहाँ चले जाते हैं। आपको ऐसी बातें रिपीट नहीं करनी चाहिए। जब इंसान गलत बातें रिपीट करता है ना तो इंसान को लगना शुरू हो जाता है कि ये बातें सच हैं। सॉरी सर। सर क्या मैं इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ बच्चों के वोट के ऊपर? बहुत जल्दी है आपको इलेक्शन में खड़े होने की। नहीं सर, मुझे बस जल्दी जल्दी सारी चीजें सही करनी है। जैसे कि? मसलन सर, जैसे राशिद चाचा, उनका घर कोई ना जलाए, उन्हें जमीन से कोई ना उठाए, उनकी बेटियों का मजाक ना कोई उड़ाए। जैसे वन्नी सर, किसी के कत्ल में किसी की लड़की किसी को दे देना, जैसे सम्मी के साथ हुआ। सर लोग तो कत्ल होने के लिए नहीं आए, वो तो जिंदा रहने के लिए आए ना सर। सब चीजों के लिए इंसान को इलेक्शन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। जब इंसान अच्छा होता है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं। सर मैं दो तीन दिन से एक बात सोच रहा था। क्या? सर आपकी और सम्मी की शादी हो जानी चाहिए। आपको ये ख्याल कैसे आया? उसे एक अच्छे इंसान की जरूरत है जो उसकी जिंदगी को अच्छा बना दे। मैंने ये बात अम्मी जी से भी कही है। आपको मैं एक अच्छा इंसान दिखता हूँ? मुझे तो आप ही से पता चला है सर कि एक अच्छे और बुरे इंसान में फर्क क्या है। एक अच्छा इंसान दूसरे लोगों को कैसे अच्छा बना सकता है? मैं भी तुम्हारी तरह अपने अब्बा की गलत बातें देख देख कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। सब अच्छा हो जाएगा। चलो काम शुरू करते हैं। आ जाए। जी आई। We'll be right back.
औरतों का पाला रही है। मैं भी तो औरत हूं। इतनी बदसूरत औरत के लिए कुछ नहीं कर सकती मैं। तो बदसूरत भी तो तूने ही बनाया है, तू भी खूबसूरत बना मुझे। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तेरे जैसों पे जाया कर। चल निकल। मैंने कहा ना, ये पार्लर औरतों के लिए है। तो मैंने कहा ना कि मैं बदसूरत औरत हूं। जा यहां से, मेरी कोई क्लाइंट आ जाएगी, जा। तो उसको बता देना कि तू अपने बदसूरत क्लाइंट के साथ मसरूफ है। अच्छा खासा मर्द छोड़कर गई थी ना तुझे, क्या हुआ तुझको? खुश हो गया तू तो बिल्कुल। इसी मर्दानगी के शौक ने तो मार डाला राशिद जंग को। औरत होता तो इस साल में ना होता। तेरी मर्दानगी की वजह से तो चांदी लूटी गई है। दूसरों की बर्बादी करने वाले एक दिन किसी न किसी जगह लूटे जाते हैं। इस बात का जब पता चलता है, जब वो लुट जाता है। क्या किया तूने मेरे साथ ये? क्या किया तूने मेरे साथ? अच्छी भली अपनी जिंदगी जी रही थी ना मैं, क्यों भेजा तूने सन्नी को मेरे पास? तूने क्यों भेजा? ये भी नहीं सोचा कि चांदी कितना बोझ उठा सकती है और कितने बोझ में मर जाएगी। मैंने बोझ उतारना चाहा तो अपना बेटा ही लुटा बेटी पे, मेरा इकलौता बेटा। क्यों क्यों तूने मेरे साथ क्यों 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 किया तूने? क्यों किया? क्यों किया तूने? क्यों किया राशि? तूने ये किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया तूने? मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ, दरवाजे पे क्यों खड़ी होंगी? अंदर आप अभी भी सर को सर कहती हैं? आपको तो अरियान कहना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सर? हाँ। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है सर। लो फिर सर कह रही हैं। हालांकि मैं तो अभी सर को कह रहा था कि वो आपसे शादी कर लें। तुमने कुछ पूछना था? जी, पूछना था कि मैं पुलिस में रिपोर्ट कैसे कर सकती हूँ कि मुझे यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखा जा रहा है और मुझे वनी किया जा रहा है, जो कि गलत है। सर, क्या पुलिस चौधरी रब नवाज के खिलाफ मेरी रिपोर्ट दर्ज करेगी? मैंने माफी मांगना छोड़ दिया है, यूं समझ ले के खुद पर पाबंदी लगा दी है मैंने माफी मांगने पर। और अगर मैंने माफी मांगनी होती तो सबसे पहले तेरे पैर पकड़ के मैं तुझसे माफी मांगता और तब तक मांगता रहता जब तक तू मुझे माफ नहीं करती। मेरे गुनाह माफी मांगने के काबिल नहीं है, ये समझ ले। सजा का इंतजार करता हुआ कहती हूँ, देखने में आजाद घूम रहा हूं। ये टूटी फूटी चांदी कभी जुड़ नहीं सकती तेरी माफी से भी नहीं, जब तूने ठुकराया था ना मुझे, अपनी नजरों में गिर गई थी मैं, जैसे बंदा गटर में गिरता है ना ऐसे। मगर फिर जैसे बंदा बाहर निकल आता है, अपना मुंह पोछता है, छुपता छुपाता गलियों से गुजरता घर पहुंचता है,
खुद को पोंछ धो के ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे खड़ी हो गई थी मैं भी, अब तो बीच कमर से टूट गई मैं। मौत कमीना है तो मैं कहती थी ना तुझे बुरा लगता था तुझको, पर ये तो तू मान, मेरे इश्क को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया तूने, कहीं की नहीं रही मैं। सब कुछ अचानक हुआ, पता ही नहीं चला कैसे हुआ ये। चौधरानी, वो इज्जतदार औरत ने अपने सर की चादर मुझ जैसे नीच कमीने के पैरों में डाल दी कि मैं सभी को कहीं भी ले जाऊं, उसे मार डालूं, रेल की पटरी के नीचे दे दूं। क्या करता मैं, माफी से टूटी हुई चीज जोड़ी नहीं जा सकती, माफी सिर्फ मुजरिम के काम आती है बस, टूटे हुए इंसान की नहीं। तो मुझे माफ नहीं करना, कभी भी नहीं माफ करना, और ये सब सारी दुनिया पत्थर मार मार के मुझे लहूलुहान कर दे, संसार कर दे, तब भी माफ नहीं करना, बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना जब भी नहीं, और ये गिद्ध नोच नोच के खा लेना मुझको, तब भी माफ नहीं करना मुझको, कभी भी नहीं।